एवरीवन, माय नेम इज विकास एंड इस वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट दो कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं। हम पिछले दो वीडियो में अपनी पांच कैटेगरी के बारे में बात कर चुके हैं, अब बची है दो कैटेगरी की। हम दो कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दो कैटेगरी नंबर सिक्स की जो कैटेगरी आती है वो आती है बिहेवियरल क्वेश्चंस एंड नंबर सेवन पे क्लोजिंग क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। अगर आपने लास्ट की दो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख लें। एंड नंबर सिक्स पे जो कैटेगरी आती है वो आती है बिहेवियरल क्वेश्चंस। इसके बारे में बात करते हैं हम। आप इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, लाइक हॉबी भी हमारी एक बिहेवियरल क्वेश्चंस में आती है। एंड जो क्वेश्चंस बनते हैं कि लाइक के एक समय बताइए जब आप अपनी टीम को कन्विंस करें कि आप कोई भी काम आप अपने तरीके से करवाएं, अपने टीम को कन्विंस करें कि आप जो काम कर रहे हो वो काम आप मेरे तरीके से करें, हमारे तरीके से करें जैसे मैं करता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं लाइक के, और आपकी टॉप थ्री स्ट्रेंथ क्या है, आपकी टॉप थ्री वीकनेस क्या है, आप किस तरह का वर्क एनवायरनमेंट प्रेफर करोगे। इस तरह के ये सारे जो क्वेश्चन आते हैं वो बिहेवियरल क्वेश्चंस में आते हैं। एंड दोस्तों, आपको अपनी टॉप थ्री एंड वीकनेस एंड टॉप थ्री स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए। अगर पता नहीं है तो पता करो, कुछ टाइम अपने आप को दो अकेले संसार से दूर। तो आपको मतलब जो स्ट्रेंथ है वीकनेस है इस तरह से बतानी है, लाइक आपकी जो स्ट्रेंथ बतानी है उससे आपको ऐसी स्ट्रेंथ बतानी है जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, और आपको ऐसी वीकनेस बतानी है जो आपकी वीकनेस रहने के बावजूद भी उस कंपनी पे या उस इंस्टीट्यूट पर उस आपकी वीकनेस का उस पर कोई असर ना हो, उसका कोई लॉस ना हो, आपको इस तरह से वीकनेस बतानी है। एंड दोस्तों, ये जो स्ट्रेंथ है या जो वीकनेस है आपकी कोई परमानेंट वीकनेस या स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। आपकी ये डिपेंड करता है आपकी जॉब प्रोफाइल के ऊपर, आप किस तरह का इंटरव्यू देते हो, किस इंस्टीट्यूट या कंपनी के लिए इंटरव्यू देते हो, उस कंपनी इंस्टीट्यूट के हिसाब से, उस जॉब प्रोफाइल के हिसाब से आपकी ये चेंज होती रहेगी। कौन आपका इंटरव्यू ले रहा है, आप किस चीज़ के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, इस पर ये चीज़ डिपेंड करती है। कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती है, आपकी डिपेंड करती है आपकी जॉब प्रोफाइल के ऊपर, किस तरह की आप जॉब प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करनी है। लाइक कि मैंने कुछ टाइम ऑब्जर्व करने पर मेरी कुछ स्ट्रेंथ लिखी है, कुछ वीकनेस है, लाइक आई एम ए क्विक लर्नर, लीडरशिप, फ्रेंडली, हैप्पी, ये मेरी कुछ स्ट्रेंथ है। एंड वीकनेस में स्टेज फेयर, पब्लिक स्पीकिंग, ये मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है एंड इसको मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ ये अच्छी हो जाए। आपको इस तरह से रखना, मुझे कमेंट में बताएं आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, तीन तीन बताना ज़रूरी है। और फिर जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती है क्लोजिंग क्वेश्चन, एंड क्लोजिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, आपको इम्पैक्ट पड़ता है। आप उसमें क्लोजिंग क्वेश्चन में आपने जो कुछ करा है आप एक इम्पैक्ट छोड़ के जाओगे इंटरव्यूअर के दिमाग में। एंड इम्पैक्ट और इम्प्रेस करके नहीं जाना है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको इम्प्रेस नहीं करना है उसको, आपका जो इंटरव्यू है आपकी जैसे पर्सन आपको उस पर इम्पैक्ट करना है कि ये बंदा था काम का। एंड क्लोजिंग क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, कई तरह के क्वेश्चन होते हैं कि आप इस इंटरव्यू को क्या रेट दोगे, आउट ऑफ 10, सैलरी कितनी लोगे। एंड सबसे जो 80-90% जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या आपका कोई सवाल है मेरे लिए तो पूछिए। कौन से मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछना है कि आपका जो क्वेश्चन है उस पर इम्पैक्ट करे। कोई जनरल सा क्वेश्चन आपको पूछना है डायरेक्टली, उसको पॉइंट आउट नहीं करना है कि तुम मुझे ये बता कि कितनी समझ रहे हो। तो मतलब आपको जैसे कि आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आपको नहीं पता है कि कब आने वाला है, आप इतना उससे पूछ सकते हो कि सर आई लर्न अ लॉट इन दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू एंड आई लर्न अबाउट माई सेल्फ इन दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू एंड आई एम थैंकफुल सो मच फॉर दिस एंड लास्टली आई जस्ट आस्क यू वन थिंग, लास्टली सर मैं यही पूछना चाहूँगा कि ये इंटरव्यू का रिजल्ट मैं कब तक एक्सेप्ट कर सकता हूँ। आपको इस तरह से पूछना है, मैंने बहुत कुछ सीखा है इस इंटरव्यू से, आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई लर्न माई सेल्फ इन दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू एंड आई एम जस्ट आस्किंग वन थिंग, इस इंटरव्यू का रिजल्ट कब तक एक्सेप्ट कर सकता हूँ, डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आपको इस तरह से कोई जनरल सा क्वेश्चन पूछना है, उसको पॉइंट आउट नहीं करना है, उससे कोई ज़्यादा उसको पर्सनल नहीं होना है। एंड एक केस ये आता है कि आपको इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं पता है कि कब, पता है आपको कब तक आएगा, तो आप
इस तरह से करोगे कि लाइक इन एक चीज़ नोट करके लिखना ना आप, कि आपको इंटरव्यूअर को इम्प्रेस नहीं करना है, उसको अप्रिशिएट करना है, उसकी आपको तारीफ़ करनी है। तारीफ भी ऐसा नहीं, अरे भैया आप तो कमाल हो, मतलब इस तरह से अप्रिशिएट आपको नहीं करना है। आपको अपने कन्वर्सेशन का, आपको आंसर को एक अच्छे तरह से फ्रेम करना है इसी तरीके से। एंड एक किसी अंदर जब आपको आपके इंटरव्यू का आपको रिजल्ट पता है कि कब आएगा, तो आपको इस तरह से रखें, सर मेरा इंटरव्यू जो आपने लिया उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ अपने बारे में जानने को मिला है, एंड आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक यू, एंड आई जस्ट आस्क यू वन स्मॉल क्वेश्चन सर, द वे यू टॉकिंग। आपको मतलब जैसे कि कुछ इंटरव्यू होते हैं जो आपसे किसी व्यक्ति ने अच्छे तरीके से बात करी, आपको कंफर्टेबल फील कराया, तो आपको मतलब अपने इस चीज़ को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करनी है कि सर मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि दिस वॉज द बेस्ट इंटरव्यू आई हैड, यू मेड मी सो मच कम्फर्टेबल, एंड आई वॉज एबल टू ब्रिंग आउट द बेस्ट माई सेल्फ, हाउ मेनी इंटरव्यूज यू हैव टेकन, क्योंकि आपका इट्स रियली कमांड यू, एंड सर आपने इससे कितने इंटरव्यू लिए हैं मैं ये देख पा रहा हूँ कि सर आपने मुझ पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला है, एंड आपने मुझे इतना पॉजिटिव, इतना कम्फर्टेबल फील कराया है, मेरा इंटरव्यू इतना पॉजिटिव गया है, एंड आई वॉन्ट टू नो डेट सर हाउ मच दिस पॉलिसी इज रिक्वायर्ड, आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट इट, कि सर एक इंसान जो इतने बड़े लेवल पे बैठा है, जो इतने अच्छे लेवल पे बात कर रहा है, जिसने इतने सारे इंटरव्यू लिए हैं, ये पॉलिसी कितने सालों में आती है, कितने इंटरव्यू लेने के बाद आती है, इसमें कितना टाइम लगता है, कितना एक्सपीरियंस लगता है, मुझे सर बस ये चीज़ जाननी है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने के बाद आपसे इसको एक चीज़ आपके लिए आएगी कि वो सोचेगा आपकी, मतलब इससे एक चीज़ पता चलेगी कि आप एक कितने अच्छे ऑब्जर्वर हो। मतलब कुछ केस में ऐसा होता है कि आपसे आपके टॉप 3 स्ट्रेंथ वो ना पूछे, लेकिन इस क्वेश्चन के जरिए आप उसको बता रहे हो कि आप एक अच्छे ऑब्जर्वर हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है, आप वो बिना पूछे आप उसको बता रहे हो। इससे वो बंदा पूरी तरह से खुश हो जाएगा, अरे इसने मेरी तारीफ़ करी, वो अपने आसपास के लोगों को देखेगा, बोलेगा देख मैंने इसको कम्फर्टेबल फील कराया, तो इससे वो आपको मतलब हो सकता है अच्छे नंबर दे दे, आपका इम्पैक्ट उस पर अच्छा पड़ेगा, आपका इम्पैक्ट ही पड़ेगा, इम्प्रेशन नहीं। एंड दोस्तों ये थी 7 कैटेगरी जो हमने 3 वीडियो में कवर कर चुके हैं। एंड दोस्तों इस बात का आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगी। वीडियो अपन जिस लिए इंटरव्यू की वीडियो अपन देखते हैं, जिस टिप्स के लिए अपन देखते हैं, वो सिर्फ उसके इन्वॉल्वमेंट में घूमते रहते हैं, लेकिन उनको पॉइंट पे आने के लिए बहुत टाइम लगता है, कुछ तो आते भी नहीं है, और उन पे व्यूज़ आते हैं मिलियंस, इतने व्यू पड़े रहते हैं, जिस चीज़ के लिए हम उस वीडियो को देखते हैं वो उस क्वेश्चन का हमको जवाब ही नहीं मिलता है। बस आपको ये करना है, वो करना है, ऐसे कपड़े पहन के जाना है, वो कपड़े पहन के जाना है, अरे भाई ये तो सबको पता रहता है यार क्या पहन के जाना है, आपके कोई बंदा टी शर्ट पहन के थोड़ी चला जाता है। तो ऐसा अगर आपको ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ऐसी वीडियो आपको लिए लाता रहूँगा। एंड इससे दोस्तों अलग इससे फ़ायदा मेरा भी है, क्योंकि जब मैं किसी आपको ये चीज़ बताता हूँ तो मेरे माइंड की पूरे जो तार ना ये सारे खुल जाते हैं, ये चीज़ मुझे मैं कभी भी नहीं भूलूँगा, क्योंकि मुझे बताने में आपको मेरे सारे एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। तो जब भी आप किसी को कुछ चीज़ समझाते हो तो आप वो चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रहती है, आप कभी भी उसको नहीं भूलते हो। तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर दो यार, बटन पे क्लिक ही तो करना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में।